से बना है अस्पताल। हमारा नाम प्रेमचंद है, हम अमेठी निवासी हैं और यहाँ दवा लेने के लिए आते हैं तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं। वार्ड बॉय फार्मासिस्ट से ले के दवा जाते हैं और डॉक्टर को रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, हम लोग अपना झेलते हैं, अपना जो मिलता है वही अपना करते हैं। हम लोगों को कोई अधिकार तो है नहीं डॉक्टर को बुलाने का। मेरा नाम अनिल कुमार साहू है, मैं फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत हूँ। डॉक्टर साहब इधर बीच काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हैं और साफ़ सफाई के बारे में ये समझिए कि मैं ऊपर अपना बोल देता हूँ, हम लोग कोई भी होता है या अपना हम खुद करवा लेते हैं। तो आप इसकी शिकायत जो साफ़ सफाई नहीं हुई है, डॉक्टर साहब नहीं आते, इसकी शिकायत आप अधीक्षक साहब को किए? यहाँ पे थोड़ी मतलब ये जो है गंदगी है हल्की सी, ये मतलब घास फूस जो है, इसके लिए मैंने बोला था। डॉक्टर साहब जो नहीं आते हैं कभी जो है, इसके बारे में आप अधीक्षक साहब से शिकायत किया? इसके बारे में क्या नाम है मतलब बताया कि डॉक्टर साहब नहीं आते हैं। वहाँ पर डॉक्टर संजय सिंह पोस्टेड थे जो पिछले साल अगस्त से ही अनुपस्थित चल रहे हैं और इसके संबंध में माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जौनपुर को भी अवगत कराया जा चुका है। क्योंकि प्रदेश में ही डॉक्टरों की भारी कमी होने की वजह से और नई नियुक्ति न हो पाने की वजह से डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। सीएमओ साहब ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही डॉक्टर की संख्या बढ़ेगी किसी न किसी को वो पोस्ट करेंगे, हमारे संज्ञान में है और हम लगातार इस पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से उनकी समस्या को दूर किया जा सके। सर, हॉस्पिटल परिसर में जो जंगल झाड़ियाँ उगी हुई हैं इसके संदर्भ में क्या कहें? हॉस्पिटल परिसर में जो जंगल झाड़ियाँ भी आपको दिख रही हैं वो 2 माह पूर्व बरसात से पहले और बरसात के कुछ दिनों बाद साफ सफाई कराई गई थी, बल्कि शासन द्वारा पेड़ लगाने की योजना भी थी, वन विभाग द्वारा उसमें सभी को सम्मिलित करते हुए पेड़ भी लगाए गए हैं और साफ सफाई कराई गई थी। जो झाड़ियाँ उगाई हैं उन्हें मैं देखता हूँ और पुनः उन्हें फिर से मैं साफ करा देता हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, वहाँ पर तो 4-4 डॉक्टर हैं, हो सकता है डॉक्टर साहब कहीं अपने आवास पर हों और उस समय फार्मासिस्ट वहाँ बैठा हो तो उसने कुछ किया हो, लेकिन वो गलत है, उसको डॉक्टर को बुला करके डॉक्टर से दिखवाना चाहिए था। नहीं, वो बिल्कुल उसका गलत बयान ही है, वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, विशाल सिंह यादव वहाँ पर सुपरिंटेंडेंट हैं और खुद इमरजेंसी करते हैं, बिल्कुल जांच कराई जाएगी।